तो देखिए अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पर ईडी की लैंड स्कीम को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजेश राय और भरत प्रसाद को ईडी ने गिरफ्तार किया। तो देखिए बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर ईडी की लैंड स्कैम को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजेश राय के नाम पर चेशायर होम की जमीन की फर्जी डीड बनाई गई थी। आपको बता दें कि रैयत से पहले खरीदार के रूप में राजेश राय का नाम सामने आया था। वहीं भरत प्रसाद के नाम पर भी कई जमीनों का फर्जी डीड तैयार किया गया था। अब इसी को लेकर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। अफसर अली का खास बताया जा रहा है, भरत प्रसाद वहीं फर्जी कागजात बनाकर कई जमीनों पे अवैध कब्जे कर उसे बेचने का आरोप भी है। अब इसी पूरे मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो देखिए राजधानी रांची से बड़ी खबर, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है जमीन मामले में, और एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान फोनलाइन पर जुड़े। इमरान, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, कहां से गिरफ्तार किया गया इन दोनों को, और क्या कुछ मामला है? क्या वही सेना वाली जमीन घोटाले मामले में आरोपी है या फिर किसी और में? देखिए, दो आरोपियों को आज ईडी ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया है, जिसमें राजेश राय और भरत प्रसाद शामिल है। दोनों पर, राजेश राय नाम के जो व्यक्ति हैं, उन पर आरोप है कि चेशायर होम जमीन की फर्जी डीड जो है वो बनाई गई थी। रेयत से पहले खरीदार के रूप में राजेश राय का ही नाम सामने आया था। वही भरत प्रसाद के नाम पर भी कई जमीनों के फर्जी डीड जो है वो तैयार किए गए थे। ये पिछले दिनों जो गिरफ्तारी हुई थी एक साथ 6-7 लोगों की, उसमें अफसर अली का नाम सामने आया था। ये भरत प्रसाद जो है वो अफसर अली के बेहद खास बताए जा रहे हैं, और भरत प्रसाद जो है वो जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, कई दस्तावेज जो है वो इनके नाम से फर्जी भी पाए गए। फर्जी कागजात बना करके कई जमीनों में कब्जा और बेचने का काम जो है दोनों पर आरोप है। तो इसी को लेकर के ईडी के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लैंड स्कैम जिस तरह से मामले सामने आए थे, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। अब आज फिर दो लोगों की जब गिरफ्तारी हो गई, तो ये गिरफ्तारी की जो लिस्ट है वो एक दर्जन से अधिक हो गई है। एक दर्जन से अधिक लोगों को अब तक ईडी के द्वारा इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है। राजेश राय और भरत प्रसाद को इस बार ईडी ने गिरफ्तार किया है। राजेश राय के नाम पर कई फर्जी डीड पाए गए हैं, जिसमें चेशायर होम की जमीन की भी फर्जी डीड जो है वो राजेश राय के नाम से है। रैयतों से पहले खरीदार के रूप में राजेश राय का ही नाम सामने आया था। इस पूरे मामले पर ईडी जो है कई बार अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई थी, जिसमें राजेश राय का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था। तो भरत प्रसाद जो कि अफसर अली के बेहद खास माने जाते हैं, अफसर अली बिल्कुल इमरान, एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी कार्रवाई कर रही है समय जमीन घोटाले मामले में, और इसमें पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में फिर एक बार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, तो ऐसे में अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।